आप अंतिम श्वास तक यही देवें। जब इस शरीर की अंतिम श्वास निकल रही हो तब भी संतों की करुणा भरी दृष्टि इस देह पर पड़ रही हो, कीर्तन हो रहा हो, जय जयकार हो रहा हो, और हमें कुछ नहीं चाहिए, संतों का संग मिले। संतों के दर्शन से अजामिल जैसे पतित को सात्विक बुद्धि आ गई। आए घर देखी बुद्धि आई गई सात्विक, आए घर देखी बुद्धि आई गई सात्विक। अब सात्विक बुद्धि आ गई तब क्या किया जा मिलने, सेवा करी सावधान संतन रिझायलियो, सेवा करी सावधान संतन रिझायलियो, सेवा करी सावधान संतन रिझायलियो, सावधान संतन रिझायलियो, सेवा करी सावधान संतन रिझायलियो, नारायण नाम धरो गर्भ बाल बात की, आ नारायण नाम धरो गर्भ नारायण नाम धरो गर्भ बाल बात की, नारायण नाम धरो गर्भ बाल बात। अब यहां प्रश्न है कि सेवा करी सावधान संतन रिझाय लियो, सावधान करके सावधान होकर के अजामिल ने संतों की सेवा की, संतों को रिझा लिया। अब विचार करो कौन सी सेवा की होगी अजामिल ने, पानी तो उसके घर का पिया नहीं संतों ने, खाया कुछ है नहीं, घर के भीतर भी घुसे नहीं, पेड़ के नीचे रहे, क्या सेवा की। हाँ प्रश्न है क्या सेवा की, भैया संतों का सत्कार करना अर्घपाद्य आदि के द्वारा, उन्हें उत्तम भोजन कराना, वस्त्र आदि देकर के सम्मानित करना, ये तो सेवा है ही है, पर ये सामान्य सेवा है। संतों की सबसे बड़ी सेवा क्या है, उनके हृदय को आह्लादित कर देना, उनका हृदय भरा है, उनके नेत्र भरा है। संतों का हृदय, संतों के नेत्र कैसे भरेंगे, उनके प्राण प्यारे भगवान की सुध उनको करा देना। अजामिल ने रोते हुए एक ही बात कह दी कि महाराज आप हमसे पूछ रहे हैं कि तुम अपना परिचय दो, मैं क्या अपना परिचय दूं, मैं इस संसार का सबसे अधिक पतित प्राणी हूं। अजामिल ने कहा जन्म तो मेरा पवित्र कान्यकुब्ज विप्र कुल में हुआ, लेकिन अब मुझे अपने को ब्राह्मण कहने में घोर लज्जा का अनुभव हो रहा है, मैं कैसे कहूं मैं ब्राह्मण, महाराज मैं मनुष्य कहलाने लायक नहीं हूं। अपनी सारी कर्म कथा सुना दी और कहा अजामिल ने महाराज
कोई ऐसा पाप नहीं बचा है जिसे मैंने हजारों हजारों बार न किया हो। मेरे पापों की कोई गणना नहीं है। अब आप पूछते हैं तो मेरा परिचय यही है कि मैं अजामिल हूँ, यही मेरी जीवन की संध्या, जीवन का सर्वस्व यही है, स्त्री है और ये सब कच्चे बच्चे हैं। और तो क्या है, उम्र क्या है तेरी? अजामिल ने कहा, महाराज 88 वर्ष की आयु है। कितनी आयु? 88। 88 वर्ष की उम्र है महाराज। हमारे जैसे पतित का भी कल्याण हो सकता है क्या? अब संतों को भगवान की याद आ गई और संत भगवान की पतित पावनता का, भक्तवत्सलता का वर्णन करने लगे और भगवान के गुणों का स्मरण कर करके रोने लगे, यही है संत की सबसे बड़ी सेवा। अजामिल से कहा, भैया जाओ, बहुत रात हो गई, तुम जाओ विश्राम करो। और कहने लगे कि इसने तो बेचारे ने अपनी सारी जीवन की बात खोल के हमारे सामने रख दी। यदि अपने हृदय को खोल कर हमारे सन्मुख न रखता तब हम लोगों का कोई ऐसा कर्तव्य, हम लोग चले जाते सवेरे। लेकिन अब इसने उद्धार की प्रार्थना की है और यदि इसके उद्धार का उपाय हमारे द्वारा नहीं खोजा गया तब ये संत वेश की महिमा क्या रह जाएगी। कोई कहता था योगाभ्यास सिखा दो, कोई कहता था ये कर दो, कोई कहता था वो कर दो, कोई कहता था इतने दिन का तप्त कृच्छ चांद्रायण करवा दो, पर कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। अंत में संत निर्णय पर पहुंचे कि इस पतिता धम का कल्याण तो केवल और केवल महान महान महिमामय श्री हरि नाम के द्वारा ही संभव है। सर्वशक्तिमान पतित पावन श्री हरि नाम के द्वारा ही इसका कल्याण संभव है। तो इसको भजन में लगावे, भजन हो ही नहीं तामस देह। ये इतना तमोगुणी जीव है, अभी इस आचरण को बुढ़ापे में क्या छोड़ेगा, भजन तो करेगा नहीं क्योंकि इसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता है। अनजाने में से भजन कैसे बने। और संतों ने इसके 10वीं संतान का नाम नारायण रख दिया।